हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सलवार की बेल्ट में जो पॉकेट है वो कैसे लगानी है। तो हमने पॉकेट लगाना तो पहले भी सिखाया है, लेकिन वो सिली हुई सलवार में सिखाया है, ठीक है। और ये अब हमने सिलनी है सलवार, तो मैं ये पॉकेट हम कैसे लगाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये हमारी बेल्ट है। पॉकेट लगाने के लिए बेल्ट हमें 9 इंच की चाहिए। बाकी जो हम बेल्ट बनाते हैं नॉर्मल 8 इंच की होती है, और पॉकेट लगाने के लिए हमें 9 इंच की बेल्ट चाहिए। और इसकी जो लेंथ है 27 इंच की है। जोड़ जाड़ लगा के ये मतलब 25 इंच की तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेल्ट में मैंने थोड़ा सा जोड़ भी लगाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिड़ी वाली साइड को बनाएंगे जहाँ पे नाड़ा डलता है, तो वो हम पहले बनाएंगे। ऊपर से हमने 3 इंच लेना है, निशान लगाना है, ठीक है। और बीच सेंटर में हमारा 5.5 इंच के करीब मतलब हो जाएगा, मतलब ये पूरी साइड हमने पूरी सिल देनी है। ऊपर सिर्फ हमने 3 इंच छोड़ना है, और यहाँ तक हमने नीचे तक पूरी सिलाई लगानी है, ठीक है। ये जैसे हम चिड़ी बनाएंगे ना, बीच साइड में थोड़ा सा हिस्सा खुला होना चाहिए। ऊपर वाली साइड में जैसे मैंने ऊपर वाली साइड में 1/2 इंच का निशान लगाया है, ये देखिए 1/2 इंच का निशान है, यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब बीच साइड में हमने जो हिस्सा छोड़ा था उसको छोड़ते हुए और नीचे वाली साइड में हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, जैसे ऊपर हमने 3 इंच का निशान लगाया था, ऊपर 1/2 इंच हमने सिलना है, और फिर बीच साइड में हमने 2.5 इंच छोड़ देना है, और फिर नीचे की तरफ से हमने पूरी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और इस तरीके से बेल्ट को खोलते हुए इसको हमने फिनिशिंग दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे, तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी मतलब चिड़ी बनती है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है। या तो जोड़ आप पहले लगा लें, या फिर आप बैक साइड में लगा सकते हैं। तो ये जोड़ मैंने आगे वाली साइड में लगाए हैं, ठीक है। चिड़ी वाला हिस्सा है जो, वहाँ पे मैंने जोड़ लगाए हैं, और ये हमारी चिड़ी बन गई है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे जो 1/2 इंच की सिलाई लगाई थी ना, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए, और जो 2.5 इंच की बीच में थी उसको हमने पूरा अंदर की तरफ करना है, और सिली हुई साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए और खुली हुई साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे नेफा फोल्ड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ही नेफा पहले मैं आपको समझाने के लिए फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन जब हमने पॉकेट वाली जो कट डालना है ना, वो मतलब नेफा हम फोल्ड नहीं करेंगे, बाद में पहले कट डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने फोल्ड करके दिखा दिया आपको, और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है। अब हमने बेल्ट को सीधा कर देना है, ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है बेल्ट को, ठीक है। अब हमने सीधी वाली साइड जो है बेल्ट की, ये देखिए ये सीधी वाली साइड है, और इस तरीके से हमने सेंटर बनाना है बैक साइड को, और सीधी चिड़ी वाली साइड को ऐसे नापते हुए सेंटर बनाएंगे। और जो साइड में ये वाली साइड है ना हमारी, जो राइट हैंड है, इस तरफ हमने कट लगाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने सेंटर बना लिया, और यहाँ पे हमने कट लगा देना है, ठीक है। ये राइट हैंड की तरफ मैंने कट लगाया है। सलवार की सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और कट लगा दिया है मैंने, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने कट लगाया है। अब इसको हमने उल्टा कर देना है, और यहाँ पे हमने जो पॉकेट लगानी है, ठीक है, वो वाला कट डालना है। तो इस तरीके से हमने रखना है, ये देखिए। तभी मैंने नेफा फोल्ड नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाइयाँ आएंगी। तो ऊपर से चिड़ी वाला हिस्सा है ना, जो जहाँ पे हमने नेफा फोल्ड करना है, तो ऊपर से हमने 3 इंच छोड़ना है, ये देखिए यहाँ पे 3 इंच छोड़ा, और नीचे से हमने 1/4 छोड़ दें या फिर 1/2 इंच छोड़ दें, ठीक है। अपने हैंड के मुताबिक छोड़ दें कि आपका हैंड भारी तो नहीं है या फिर हल्का है। तो 6 या 5.5 इंच काफ़ी है, मतलब हाथ आसानी से चला जाता है पॉकेट में। तो इस तरीके से आपने इसको छोड़ना है। ऊपर वाली साइड में 3 इंच छोड़ा है मैंने, और नीचे वाली साइड में 1/4 इंच छोड़ा है। तो इस तरीके से हमने सिलाइयाँ लगा देनी है, और बीच वाला जो हिस्सा है उसको खुला छोड़ना है। पहले ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा दी, और बाद में हमने नीचे वाली सिलाई को पक्का कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको हम इस तरीके से खोल देंगे, और जैसे हमने चिड़ी वाले हिस्से की फिनिशिंग दी थी सिलाई में,
ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको भी फिनिशिंग दे देनी है जहाँ पे हमने पॉकेट लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सिल देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है बेल्ट पॉकेट लगाना, तो मैंने काफ़ी वीडियो में सिखाया है, लेकिन वो या फिर तो सिली हुई सलवार होती थी या फिर मतलब काफ़ी सलवार में मैंने सिखाया था, लेकिन ये जो सलवार है मैं बना रही थी तो इसमें मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करूं, तो ये मैं अभी बना रही हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको शेयर करा है। तो ये हमारी पॉकेट वाली साइड भी सिल चुकी है और ये चिड़ी वाला हिस्सा है। अब हमने नेफे को ऊपर ऊपर से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने तीन चीज़ें इकट्ठी डाली थी, पॉकेट लगाना, चोने डालना और बेल्ट को हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। इस ऐसे हमने वीडियो डाली थी, लेकिन वो भी वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई थी। तो इसमें मैंने ये सिखाया है कि अकेली मैंने पॉकेट लगाना ही इसमें सिखाया है इस वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर देखिए और ज़रूर सीखिए, ठीक है। इसको तो स्किप मत करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो ये मेरी बेल्ट बन चुकी है, पॉकेट वाली सिलाई भी हमने लगा दी है और चिड़ी वाली सिलाई भी हमने लगा दी है। अब हमने पॉकेट बनानी है। तो ये मेरा पॉकेट वाला कपड़ा है, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है 11.5 इंच, ठीक है। लंबाई है 11.5 इंच, डबल फोल्ड है, ठीक है। मतलब टोटल मतलब हमारा कपड़ा है 23 इंच का, जो चौड़ाई है 6.5 इंच की है। तो जितनी हमने पॉकेट रखनी है उतना हिस्सा हमने फोल्ड करना है। जैसे आपने पॉकेट 8 इंच की रखनी है तो 8 इंच की रख लें या फिर 7 इंच की रख लें, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कितनी डूंगी आप पॉकेट रखना चाहते हैं। तो इसमें मैंने 7 इंच की पॉकेट रखी है और ऊपर वाली साइड में मैंने 0.5 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो हमारी जो पॉकेट है 7 इंच की है और 0.5 इंच हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। जो बाकी ऊपर की तरफ कपड़ा बचा है वो बेल्ट में ऊपर वाली साइड में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड किया। अब यहाँ पे यहाँ तक हमने निशान लगा लेना है कहाँ तक हमने फोल्ड करा है, और इसको इस तरीके से उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टा करने के बाद हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा देनी है, पक्की सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी पॉकेट खुले नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाइयाँ लगा दी, दोनों तरफ हमने सिलाइयाँ लगा देनी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरीके से हमने पॉकेट को भी सिल दिया है, अब इसको हमने सीधा कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी पॉकेट भी तैयार हो गई है, ठीक है। जब इसको हम अटैच करेंगे तो इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये हमने अटैच कब करना है, जब हमने चोने डालनी है सलवार की, ठीक है। तो पॉकेट और बेल्ट हमारी तैयार हो गई है, अब हमने सलवार में चोने डाल देनी है। और इस वीडियो में मैं चोने डालना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चोने डालना भी मैंने काफ़ी वीडियो में सिखाया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चोने भी डाल दी हैं, ठीक है। बेल्ट को अटैच कर दिया है, अब इसमें हमने पॉकेट लगानी है, ठीक है। तो ये मैंने उल्टी कर दी है सलवार, और यहाँ पे हमने ये जो पॉकेट है पॉकेट वाली साइड को हमने अंदर की तरफ करना है, ठीक है। और इस तरीके से हमने रखना है पॉकेट को, और सेंटर में हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। या तो आप सेंटर बना लें पॉकेट का या फिर आप अंदाजे से ही इस तरीके से सिलाई लगा दें। और मैंने सेंटर मुझे पता है कहाँ पे मतलब होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अंदाजे से ही यहाँ पे सिलाई लगा दी है। आप या तो सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पक्की सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सिलाई लगा दी, बिल्कुल सेंटर पे लगी है सिलाई। अब हमने पॉकेट को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। ये देखिए जो ज़्यादा बड़ा हुआ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। बड़े हुए कपड़े का इलाज है लेकिन छोटे हुए कपड़े का इलाज नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। अगर पॉकेट आप 8 इंच की रखते या 9 इंच की रखते तो फिर इसको कट भी नहीं करना पड़ना था, क्योंकि मैंने इसमें 7 इंच की पॉकेट रखी थी तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था कपड़ा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे नेफे की सिलाई जो लगी हुई है उसके ऊपर ही बिल्कुल हमने कपड़े को इस तरीके से सेट करना है और उसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। और नेफे की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए,
ठीक है, ताकि हमें जो नाड़ा डालने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से हमने सिलाइयाँ लगा देनी है, ठीक है। ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देना है और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए काफ़ी बहुत ही आसानी से ये पॉकेट लग जाती है, ठीक है, बेल्ट में। पहले मैंने कुंदे और पोंचे में भी पॉकेट लगाना सिखाया है और कली में पॉकेट लगाना सिखाया है और सिली हुई सलवार में पॉकेट लगाना सिखाया है, ठीक है। अब इसमें हम बेल्ट में पॉकेट लगाना सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसको सिल देना है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पॉकेट है सलवार की लग जाती है। इसको मैं सीधा करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने सलवार को सीधा कर दिया है और ये देखिए हैंड भी बहुत अच्छे से जा रहा है। मेरा थोड़ा भारा सा हैंड है लेकिन लेडी का थोड़ा पतला है हैंड है, वो आसानी से चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने चोने भी डाल दी हैं, तो ये देखिए कितनी अच्छी चोने डली हैं और पॉकेट भी बहुत आसानी से लग गई है, ठीक है। ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे पॉकेट वाला हिस्सा छोड़ते हुए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।